गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी सी ए रिसर्च सेंटर। यहाँ आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ, आगे बढ़ते हैं। प्रणाम सलाम राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज एम ए गणपति अपॉइंटेड एनएसजी चीफ। सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं एम ए गणपति और कुलदीप सिंह जी, इनको अपॉइंट किया है एज ए डायरेक्टर जनरल। एम ए गणपति जी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, जिसको एनएसजी के नाम से जानते हैं, और कुलदीप सिंह जी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं। ये अपॉइंटमेंट 16 मार्च को की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। गणपति जी के बारे में बात की जाए तो 1986 के आईपीएस ऑफिसर हैं, उत्तराखंड उनका कैडर है। इससे पहले वो डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। और कुलदीप सिंह जी के बारे में बात की जाए तो ये भी 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जो वेस्ट बंगाल कैडर से आते हैं, और वो पहले स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे सीआरपीएफ के। अब उनको प्रमोट करके डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है सीआरपीएफ, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पिक्स आउट बीएसएनएल एमटीएनएल एसेट्स फॉर सेल। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ एक एसेट्स जो कि स्टेट ओन्ड टेलीकॉम कंपनीज बीएसएनएल और एमटीएनएल के द्वारा एमटीएनएल के स्टेक्स को वो सेल पे रखेंगे फिस्कल ईयर 2022 में। और ये जो पैकेज है इसमें इंक्लूड है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम टू स्लैश एम्प्लॉयज कॉस्ट, की वॉलंटरी रिटायरमेंट दी जाएगी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, जिसकी परफॉर्मेंस सबसे रफ हुई वो उसको हटा दिया जाएगा, उसको वीआरएस दे दी जाएगी, जिसको हम वॉलंटरी रिटायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, और मर्ज किया जाएगा एमटीएनएल को बीएसएनएल के साथ। नेक्स्ट वन इज इंडिया बांग्लादेश वाटर रिसोर्सेज मीटिंग। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जॉइंट एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक रिवर कमीशन को तैयार किया गया था। इसकी मीटिंग 16 मार्च को न्यू दिल्ली में हुई है, और इसका मेन पर्पस यही है कि जो इंडिया और बांग्लादेश टोटल 56 कॉमन रिवर्स शेयर करते हैं, उनके पानी को कैसे शेयर किया जा सके, और वाटर रिसोर्सेज जो हैं उन पे कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके मैक्सिमम बेनिफिट दोनों कंट्रीज़ को मिल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग ही ये मीटिंग हुई थी। सिक्स सेक्रेटरी लेवल की जो हमारा वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी लेवल और बांग्लादेश की तरफ से सेक्रेटरी लेवल्स की ये मीटिंग हुई है 16 मार्च को नई दिल्ली में। नेक्स्ट वन इज इंडियन आर्मी डीकमीशंस 2 आर्टिलरी सिस्टम्स। इंडियन आर्मी ने 2 आर्टिलरी सिस्टम्स को डीकमीशन किया है, जो कि बहुत लंबे टाइम से सर्विस में थी। पहले का नाम है 130mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन्स, और सेकंड का नाम है 160mm टेम्पलेयर मोटर्स। इनको डीकमीशन कर दिया गया है 16 मार्च को महाजन फायरिंग रेंजेज में। इनका ये काफ़ी सालों से इंडियन आर्मी के यूज़ में थी, काफ़ी डेकेड से, अब इनकी कैपेबिलिटी उतनी रही नहीं है। कैपेबिलिटी की बात की जाए तो जो कैटापल्ट है उसकी कैपेबिलिटी थी 27 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी मार्क क्षमता थी, और ये एक सक्सेसफुल मर्जर्स था जो हमारे विजंता टैंक्स थे उनके ऊपर ये इंस्टॉल की गई थी 130mm की M46 गन्स। नेक्स्ट वन इज 11th एडिशन ऑफ इंडिया कैम 2021। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं सदानंद गौड़ा जी, उन्होंने इनोग्रेट किया 17 मार्च को इंडिया कैम 2021, जिसका 11th एडिशन ये इनोग्रेट किया गया। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, उसके साथ साथ FICCI, इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। 3 दिन लंबा ये प्रोग्राम अभी होने जा रहा है 17 मार्च से 20 मार्च तक। इसका थीम रखा गया है इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट वन इज कैबिनेट अप्रूव्स MOU बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। इंडिया और मालदीव्स के बीच एक MOU साइन हुआ था कि स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के क्षेत्र में कॉरपोरेशंस को बायलेटरल जो है प्रोग्राम को वो एक्सचेंज किया जाएगा। इसमें स्पोर्ट्स के एरिया में जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड करने के लिए इंडिया और मालदीव्स ने एक दूसरे के साथ समझौता किया है 2020 में, और इसको कैबिनेट ने अब मंजूरी दे दी है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड MOU साइंड बिटवीन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट ऑफ मालदीव्स। इनके बीच समझौता हुआ था
for cooperation in sports and youth affairs. Next one is frigate corridors to be operational in 2022. ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर्स इंडियन रेलवे के जो हैं वो ऑपरेशनल होंगे 2020 से. ये इन्फॉर्मेशन इंडियन रेलवेज की तरफ से आई है जिसको रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने प्रोवाइड किया है 16th of March 2021 को. इसी के साथ साथ रेलवे प्लान कर रहा है कि नई 44 वंदे भारत ट्रेन हैं जो एक्सप्रेस ट्रेन है 160 किलोमीटर जिसकी स्पीड है तो उनको 44 ऐसी नई ट्रेन वंदे भारत के नाम से इनको चलाया जाएगा. ये उन्होंने अपने बजट जो उनका सेशन था उसमें इस सब की अनाउंसमेंट की है. और रेलवे के बजट की अगर बात की जाए तो 2,15,000 करोड़ रुपीज़ वो अलॉट किया गया है रेलवे को इस बार के बजट में. नेक्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिमेंस लो. गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ओवरऑल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है कंट्री में वो निचले स्तर पर ही है, अभी इतना बड़ा नहीं है. और पिछले 7 साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन अभी बहुत उससे कम है. इसी के साथ साथ द राइज इन प्राइसेस ऑफ सम आइटम्स वो इसलिए ही हुआ है कि कुछ एक आइटम्स का में जो है उनको कॉस्टली बना दिया गया है कि मिसमैच हुआ डिमांड और सप्लाई चेन के बीच कि ज़्यादा उसकी डिमांड होती रही सप्लाई चेन से उतना प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस हो पाया तो वो जो मिसमैच हुआ उसकी वजह से कुछ एक प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा है. उसके अलावा सब कुछ इन्फ्लेशन जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो एवरेज ही है और वो एक निचले स्तर पे ही है, वो इतना ऊपर गया नहीं है. इसी के साथ साथ जो फूड आइटम्स हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं मंथ बाय मंथ जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. जनवरी फरवरी अभी मार्च चल रहे हैं तो जो फूड आइटम्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें डिक्लाइन देखा जा रहा है, उसकी दर जो है वो नीचे गिरती जा रही है, ये गवर्नमेंट का मानना है. नेक्स्ट वन इज इलेक्शन कमीशन टू यूज़ VVPAT एट ऑल पोलिंग स्टेशंस. अभी आप लोगों को पता होगा 4 states and 1 union territory पुदुचेरी इनमें इलेक्शन होने जा रहे हैं. तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि वो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल जिसको VVPAT के नाम से जाना जाता है इसको EVM के साथ यूज़ करेंगे. इसका मेन पर्पज यही होता है कि इससे ये पता चल जाता है वोटिंग वोट कास्ट करने वाले को कि उसने किस पार्टी को किस चुनाव चिन्ह पे वो वोट दी है. एक पेपर निकल के आता है जो बाद में फिर स्टोरिंग मशीन में चला जाता है, उस पर आपको चुनाव चिन्ह जो भी कैंडिडेट जैसे भाजपा है तो कमल और कांग्रेस है तो वो हाथ का निशान या अदर कोई भी पार्टीज है और उसी के साथ साथ उस कैंडिडेट का नाम उस पर शो होता है कि आपने किसको वोट किया है. तो VVPAT इसके लिए यूज़ होता है. तो 4 states और 1 union territory में जो इलेक्शन होने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि VVPAT को EVM के साथ यूज किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज 20% इंक्रीज इन टैप वाटर कनेक्शंस. जल शक्ति मिनिस्टर हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि पिछले 15 महीनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो मिशन जल शक्ति के तहत 20% का उछाल आया है वाटर टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने में. जो मिशन जल शक्ति है इसका मेन पर्पस यही है कि हर घर तक टैप वाटर पहुंचाना है इंडिया के. अभी तक 3 crore से अबव लोगों को टैप वाटर कनेक्शन मिल चुका है रूरल एरियाज़ में. और ये मिशन द सेंटर विल किक स्टार्ट द वाटर कंजर्वेशन कैंपेन. पानी के संरक्षण का एक कैंपेन चलाया जाएगा जिसको जल शक्ति अभियान के नाम से जाना जाएगा. ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको चलाया जाएगा. अगस्त 2021 से ये स्टार्ट होने जा रहा है. नेक्स्ट वन इज चाइना अप्रूव्स 4th COVID-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज. चाइना के पास ये 5वीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन ये 5वीं कोरोना वैक्सीन उन्होंने डेवलप की है और ये 4th ऐसी वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल गया है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से. सभी जितनी 500 की 500 वैक्सीन है उनके पास वो चाइना ने अपने स्टेट में ही वो खुद ही डेवलप किए हैं उसमें बिना किसी की हेल्प से. और जो ये 5वीं वैक्सीन है इसको डेवलप किया गया है जॉइंटली बाई अनहुई हिफी लॉन्गकॉम बायो फार्मान्यूटिकल्स को लिमिटेड एंड द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इस 5th वैक्सीन को जिसको अप्रूवल मिला है इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको डेवलप किया गया है. नेक्स्ट वन इज
5 डे लॉन्ग फोटो एग्जीबिशन इन जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में, जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं बारामूला के भूपेंद्र कुमार जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है। एक 5 दिन लंबा प्रोग्राम चलेगा फोटो एग्जीबिशन एट इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला में, ये होने जा रहा है। 17th of March से स्टार्ट हो चुका है, 5 दिन का ये इवेंट रहेगा। ये एग्जीबिशन लॉन्च किया गया है टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ही इसको लॉन्च किया गया है और इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रीजनल आउटरीच ब्यूरो के द्वारा और इन कोलेब्रेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जम्मू और कश्मीर के बारे में बात की जाए तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट वन इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020। लोकसभा ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल इसको पास कर दिया था मार्च 2020 में। अब ये राज्यसभा से भी 16th of March को पास हो गया है। इसके तहत एक आउटर लिमिट प्रोवाइड की गई है 24 वीक्स की, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको, पहले ये 20 वीक्स की थी, अब इसको ये एज ए अमेंडमेंट देखा जा रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में जो आया था, उसमें 20 वीक्स का रिलैक्सेशन मिलता है महिलाओं को जो प्रेग्नेंट होती हैं बेबी के बर्थ के बाद। अब इसको एक्सटेंड करने का जो है वो पहले विचार किया गया था, जिसको लोकसभा ने मार्च 2020 में पास कर दिया था और अभी राज्यसभा ने 16th of March 2021 को पास कर दिया है। इसके तहत अब आउटर लिमिट 24 वीक्स की रहेगी प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए। नेक्स्ट वन इज RBI इम्पोजिज 2 करोड़ पेनल्टी ऑन SBI। RBI ने 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 16th of March को। ये पेनल्टी इम्पोज की गई है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ छेड़छाड़ होने की वजह से, और RBI की स्पेशल जो डायरेक्शन दी गई थी RBI के द्वारा बैंक्स को फॉर ऑन द पेमेंट ऑफ रीमुनरेशन टू एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, तो उसके तहत ये जो भी गाइडलाइंस थी वो फुलफिल नहीं हो पाई और सर्टेन सेक्शंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वो वॉलिड हुए हैं, तो उसके तहत RBI ने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैन टू स्टार ऑन टाइम कवर। टाइम मैगजीन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर हैं ये एलियट पेज। ये पहले ट्रांसजेंडर मैन बन गए हैं जो फ्रंट कवर पे आए हैं टाइम मैगजीन के। इनसे पहले अमेरिकन एक्ट्रेस जो ट्रांसजेंडर वुमेन की अगर बात की जाए तो लावेरने कॉक्स जो फर्स्ट ट्रांस वुमेन बनी टाइम मैगजीन की कवर पेज पे आने के लिए 2014 में, और इस बार पहले ट्रांसजेंडर मैन बने हैं एलियट पेज जो टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे आए हैं। नेक्स्ट वन इज राज्यसभा पासेज अ बिल। राज्यसभा ने एक बिल पास किया है जो रिगार्डिंग है नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल 2020। 16th of March को 2021 को ये पास कर दिया गया है। इस बिल में जो प्रोविजंस हैं वो हैं टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज द एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, तो इनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना और इनके जो जहाँ भी जिस भी हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते हैं तो एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ इनको लेके जाना और भी बेटर फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करना, तो ये वो बिल था जिसको 2020 में लाया गया था। 16th of March को इसको राज्यसभा की तरफ से पास कर दिया गया था। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में जो आते हैं वो हैं एसोसिएट्स टेक्नीशियंस और टेक्नोलॉजिस्ट ट्रेंड टू सपोर्ट द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज या इंजुरी। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू विजिट उड़ीसा ऑन मार्च 21। 2 दिन की दौरे पे रहेंगे ये, मार्च 21 से स्टार्ट होने जा रहा है उड़ीसा में 21st और 22nd of March को। पहले दिन तो ये इनोग्रेट करेंगे द रूरकेला स्टील प्लांट की तरफ से रन किया जा रहा है जो इस्पात जनरल हॉस्पिटल रुड़केला में इसको बनाया गया है, इसका इनोग्रेशन किया जाएगा इनके द्वारा। और जो दूसरा दिन रहेगा उसमें प्रेसिडेंट अटेंड करेंगे द कॉन्वोकेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT रुड़केला को। नेक्स्ट वन इज CRPF ऑर्गेनाइजेज फ्री मेडिकल कैंप इन जम्मू एंड कश्मीर। CRPF की 53rd बटालियन ने ऑर्गेनाइज किया है एक फ्री मेडिकल कैंप 16th of March को टू कंटिन्यू इट्स ड्राइव फॉर द वेलफेयर ऑफ कश्मीरी पीपल्स के भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए। और इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में
ऑफ द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें फ्री मेडिसिन, सैनिटाइजर्स, फेस मास्क और साबुन वगैरह ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एट द जेहमपुरा विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है नॉर्थ कश्मीर में। नेक्स्ट वन इज मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ओपन्स माई ओन 2021। मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह जी, इन्होंने इनोग्रेट किया है माई ओन 2021। ये एक एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन प्रोग्राम है जिसमें लोकल प्रोडक्ट्स को, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनका एग्जीबिशन लगाया जाएगा एट हेप्टा केनजाईबोंग इम्फाल में। ये है 16th ऑफ मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है और ये 22nd ऑफ मार्च तक ये एग्जीबिशन चलेगा। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ने हिस्सा लिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने हिस्सा लिया है और एंटरप्रेनर्स ने अक्रॉस द स्टेट टू टेक पार्ट इन दिस इवेंट। नेक्स्ट वन इज TRB बैग्स क्लिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड। TRB आयरन और माइंस, जो कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का एक पार्ट है, टेंसा ऑफ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में ये स्थित है, उनको ऑनर किया गया। उन्होंने इस अवार्ड को जीता है, क्लिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड, अपने एम्प्लॉइज़ को जो ओवरऑल सिक्योरिटी है, मेंटेनिंग द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के लिए इनको अवार्ड दिया गया है और ये कॉन्जिक्यूटिवली थर्ड इनको जो है ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। इस अवार्ड को कन्फर्म किया गया उड़ीसा स्टेट सेफ्टी कॉन्क्लेव जो 2020 में हेल्ड हुआ और भुवनेश्वर में ये इवेंट हुआ था, इसके तहत TRB आयरन और माइंस ने लगातार तीसरे साल सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड ये जीता है। नेक्स्ट वन इज स्मार्ट रोड इनोग्रेटेड इन उज्जैन। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इनोग्रेट किया है, दो स्मार्ट रोड बनाए गए हैं बाय द कंपनी इन उज्जैन, मध्य प्रदेश में इनकी लोकेशन होगी। और स्मार्ट रोड इनका मेन पर्पस यही है कि जैसे अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी सेवर्स है या फिर वाटर सप्लाई पाइप्स हैं या स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, अगर वो इंस्टॉल करना पड़े तो अब इन रोड्स की जो है वो खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको स्मार्ट रोड्स बोला गया है और ये अंडरटेक किए जाएंगे। अब ये अधिकारक क्षेत्र में आते हैं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड USCL के तहत। उज्जैन के बारे में अगर आपको बताया जाए तो उज्जैन वो फेमस है, जो वहाँ पर श्रद्धालुओं का एक वो सेंटर है, कुंभ मेला लगता है यहाँ हर 12 साल के बाद, तो उज्जैन उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट वन इज NGT सेट्स अप 12 मेंबर ओवरसाइट कमेटी। NGT दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने एक 12 मेंबर्स की एक ओवरसाइट कमेटी जो है वो एस्टेब्लिश की है। ये मेघालय में काम करेगी क्योंकि वहाँ पे अभी भी ये बताया जा रहा है कि इलीगल कोल की माइनिंग वो चल रही है, तो इट विल ओवरसी द प्रिवेंशन ऑफ अनसाइंटिफिक एंड अनरेगुलेटेड माइनिंग, रिस्टोरिंग द एनवायरनमेंट, रिहैबिलिटेटिंग द विक्टिम्स एंड हैंडलिंग इलीगली माइंड कोल इन मेघालय। मेघालय में जितने भी इलीगली माइनिंग चल रही है उन सबको ये देखेगी। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये बेंच है, इसको हेड करेंगे चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी। नेक्स्ट वन इज इंडिया टू होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA ने अनाउंस किया है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 ये इंडिया में होने जा रही है, न्यू दिल्ली में ये इवेंट होने जा रहा है। 21st ऑफ मई से 31st ऑफ मई 2021 तक ये इवेंट चलेगा और कोरोना वायरस के बाद ये पहला बॉक्सिंग इवेंट जो एशिया में होने जा रहा है। इसका पहले शेड्यूल 2020 में था लेकिन वो कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से इसको पोस्टपोन करके अभी 2021 में होने जा रहा है। नेक्स्ट वन इज JSW स्पोर्ट्स कोलेबरेटेड विद उड़ीसा गवर्नमेंट। JSW स्पोर्ट्स, जिसके ब्रांड एम्बेसडर आपको पता ही होगा ऋषभ पंत हैं, वो कोलेबरेशन किया है उन्होंने स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ और वो लॉन्च करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रासरूट प्रोग्राम और इसको शेड्यूल इसका रखा गया है 1st of April 2021। इसको 8 लोकेशंस पे रोल आउट किया जाएगा, भुवनेश्वर, सांबलपुर, बालनगिर, बौद्ध, सोनपुर, अंगुल, गंजाम और मयूरभंज में, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट पैक्ट विद JSW स्पोर्ट्स के साथ मिलके। नेक्स्ट वन इज
आंध्र प्रदेश सीएम लॉन्चेज टेंपल मैनेजमेंट सिस्टम। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, उन्होंने लॉन्च किया है टेंपल मैनेजमेंट सिस्टम एट हिज कैंप ऑफिस। और इसके तहत इट विल ब्रिंग ऑल द टेंपल्स अंडर एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट इनटू वन सिस्टम। एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के तहत सभी मंदिर इस सिस्टम के बाद उसमें आ जाएंगे। तो मंदिर में जितना भी करप्शन होता था तो उसको एलिमिनेट करने के लिए एंश्योरिंग क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, टेंपल मैनेजमेंट सिस्टम जिसको नाम दिया गया था। और इसी के साथ साथ इसमें इंक्लूड होंगे टेंपल की सभी इंफॉर्मेशन और डिवोटीज के लिए ऑनलाइन सर्विसेज, टेंपल का प्रोफाइल और एसेट मैनेजमेंट जितने भी हैं टेंपल की वो सब इसमें इंक्लूड की जाएंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू असिस्ट बांग्लादेश एविएशन रेगुलेटर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्री किया है टू असिस्ट द बांग्लादेश एविएशन रेगुलेटर इन इनहेंसिंग इट्स कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड मैन पावर। अपनी बांग्लादेश के जो एविएशन रेगुलेटर हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे और स्किल्ड मैन पावर उनको प्रोवाइड करने के लिए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनकी हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन वो ऑलरेडी भेजा जा चुका था बांग्लादेश में, जिसने विजिट किया 7 मार्च से 11 मार्च को इसी के रिगार्डिंग। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया कि उन कस्टमाइज कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट टू असिस्ट द ट्रेनिंग प्रोग्रेस। कि कस्टमाइज जिस भी एम्प्लॉई का जो भी प्रोफाइल है या इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए तो कस्टमाइज कोर्सेज वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएँ, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर कैपेसिटी को, स्किल्स को इन्हेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल सेंटर बाई NMPB। NMPB दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड। उन्होंने एस्टेब्लिश किया है 7 रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। और जो RCFCs हैं, जो रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, वो एक्ट करेंगे एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ NP, वो इसकी एज ए ब्रांच वो काम करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे वेरियस स्कीम्स विद डिफरेंट स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स। इसमें जो RCFCs एस्टेब्लिश किए गए हैं ये हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, आसाम में और महाराष्ट्र में किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड। यूनियन कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दे दी है जिसके तहत डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को स्थापित करना था टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके लिए 20,000 करोड़ रुपीज़ अलॉट कर दिए हैं फिस्कल ईयर 22 के लिए, जिसकी घोषणा 2021 के बजट में कर दी गई थी। और इसी के तहत द प्रपोज्ड DFI जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है विल हैव 15% नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होंगे इसमें। 100% स्टार्टिंग में इसका गवर्नमेंट ओनरशिप रहेगी, जिसको ग्रेजुअली आगे जाके इसमें पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा इसको रिड्यूस करके इसमें शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग सिर्फ 26% रह जाएगी। नेक्स्ट वन इज नोकिया पार्टनर्स विद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन एंड गूगल। नोकिया पार्टनरशिप में आया है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल के साथ टू डेवलप न्यू क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सॉल्यूशंस अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ। और इसका मेन पर्पज़ यही है टू डेवलप न्यू बिजनेस केसेस और इट विल डेवलप न्यू एंड इनोवेटिव हाई वैल्यू 5G यूज केसेस दैट विल इक्विप कस्टमर विद द टूल्स दे नीड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो 4G टू 5G होगा तो उसमें जो कस्टमर्स हैं उनको ये असिस्ट करेगा, नए इनको टूल्स प्रोवाइड करेगा ताकि ईजिली जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट किया जा सके। एंड द लास्ट वन इज इसके बाद हम स्टैटिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। 33% डिप इन इंडियाज वेपन इम्पोर्ट्स। सिप्री के द्वारा ये सिप्री दैट स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने 15 मार्च को ये अपना डाटा पब्लिश किया है जिसमें बताया गया कि इंडिया के आर्म्स इम्पोर्ट उसमें गिरावट आई है 33% की 2011 से 15 और 16 से 20 का अगर डाटा देखा जाए तो इन दो कैटेगरीज में, इन दो ईयर्स में
33% का वो गिरावट आई है इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट करने की उसमें। और 2016 से अगर 20 तक देखा जाए तो इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्टिंग का सिर्फ 0.2% ही स्टेक होल्डर्स रहा है, हम सिर्फ 0.2% ही आर्म्स का एक्सपोर्ट कर पाए हैं 2016 से 2020 के बीच में। इसी के साथ ये जो डाटा है ये इंडिया को 24th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनाता है, 0.2% होने से ही हम 24वें नंबर पे हैं एक्सपोर्ट करने में मेजर आर्म्स को। और ये रिप्रेजेंट करता है एन इंक्रीज ऑफ 228% इंडियाज प्रीवियस एक्सपोर्ट शेयर ऑफ 0.1%, जो 0.1% था उसमें 228% का इजाफा होके, जो कि ग्लोबली अभी भी 0.2% ही है, लेकिन इसमें एक्सपोर्ट में तो हमारा इजाफा हुआ है, हम 24वें स्थान पे हैं। लेकिन इंपोर्ट्स जो हमारे जो दो ईयर की कैटेगरी हैं 2011-15 एंड 16-20 अगर इनको कंपेयर किया जाए तो 33 इंपोर्ट्स जो है वो फेल हुए हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ को जो हमारा DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें काफ़ी सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई मिसाइल्स बन रही हैं, तो इससे हमारा इंपोर्ट घट रहा है, जो कि बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वन इज भवानी देवी फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। तमिलनाडु की चदावलंदा आनंदा भवानी देवी ये पहली इंडिया की तरफ से फेंसिंग खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। और वर्ल्ड कप इवेंट हो रहा था हंगरी में, वहाँ इन्होंने जीत के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट अपना स्लॉट वो हासिल किया है थ्रू द एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग मेथड, जिसके तहत ये है अगर आप वर्ल्ड कप में या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अगर आप जीतते हैं तो एज ए कोटा के तहत, इसको एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग मेथड के तहत आपको डायरेक्ट आपका स्लॉट वो बुक हो जाएगा ओलंपिक्स जो आने वाले होते हैं उसमें। 8 टाइम की नेशनल चैम्पियन रह चुकी हैं लेकिन ये जो लास्ट रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट्स बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया को ओवरटेक करते हुए अब इंडिया के वो सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गए हैं फरवरी 2021 तक अगर देखा जाए तो। इराक लेकिन अब भी टॉप पे चल रहा है, इंडिया ने 23% अपने परचेज में डिक्लाइन लेके आए हैं इराक से जो तेल खरीदते हैं उसमें 23% की कमी कर दी है, लेकिन फिर भी इराक अभी सबसे ऊपर चल रहा है। ईरान से इंडिया तेल इंपोर्ट करता था लेकिन US सैंक्शन की वजह से ईरान से तेल परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इराक के बाद अब यूनाइटेड स्टेट्स, इससे पहले सऊदी अरेबिया था, अब सऊदी अरेबिया खिसक के थर्ड प्लेस पे पहुंच गया है। और इंडिया का इंपोर्ट जो है वो टॉप प्रोड्यूसर्स से 48% पे पहुंच गया, जो कि रिकॉर्ड 545,300 barrels per day फरवरी से, अगर फरवरी और जनवरी में ये डाटा देखा जाए तो हम जो परचेज कर रहे हैं वो पर डे 545,300 barrels per day ऑयल जो वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं उनका 48% इंडिया की तरफ से वो परचेज किया जा रहा है, अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ इंडियाज ओवरऑल इम्पोर्ट्स। इन इंडिया ने जितने ये प्रोडक्ट्स अभी इंपोर्ट किए हैं ऑयल में, अगर ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अगर वो डिपार्टमेंट देखा जाए तो ओवरऑल इम्पोर्ट्स का फरवरी में 14% सिर्फ तेल ही हमने इम्पोर्ट किया है। नेक्स्ट वन इज सीबकथान प्लांटेशन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने अपने बजट स्पीच में अनाउंस किया है कि वो स्टार्ट करेंगे प्लांटेशन ऑफ सीबकथान इन द कोल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ द स्टेट। जितने भी ठंडे इलाके हैं वहाँ पे सीबकथान नाम से ये पेड़ लगाए जाएंगे, ये पेड़ हेल्प करते हैं मेडिसिन बनाने में जो वाइडली यूज़ होती है ट्रीटिंग स्टमक हार्ट एंड स्किन प्रॉब्लम्स, और इसके साथ साथ इन पे फल भी लगते हैं ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी। एंड द लास्ट वन इज, इसके बाद हम स्टैटिक करेंगे, आई थॉट 30 न्यूज़ है लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16th of March को मनाया गया, ये हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है, इसको नेशनल वैक्सीनेशन डे के नाम से भी जानते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि मार्च 16, 1995 में पहली डोज इंडिया में ओरल पोलियो वैक्सीन की वो दी गई थी, और अगर पीछे की अगर और भी हिस्ट्री
अगर देखी जाए तो इसी दिन इंडिया ने लॉन्च किया था अपना फर्स्ट वैक्सीन बैसिल कलमेटग्यूरिन BCG का टीका जिसको जानते हैं, वो 50 साल पहले ट्यूबरक्लोसिस को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया ने इसी दिन वो लॉन्च किया था। और 16 मार्च 1995 को पहला डोज लगा था ओरल पोलियो का इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंस इस डे की काफ़ी पड़ जाती है। इसको नेशनल वैक्सीन डे या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से जाना जाता है। 16 मार्च को हर साल ये इंडिया में मनाया जाता है। तो स्टैटिक की बात की जाए तो आज स्टैटिक में है हमारे साथ गुजरात स्टेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी जी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। मेजर सिटीज़ में आते हैं अहमदाबाद, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मेजर सिटीज़ में आते हैं वहाँ पे अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, वलसाड, आनंद, नवसारी, द्वारका, भुज, महसाना, गोधरा, दांडी और कांडला, ये सब वहाँ की मेजर सिटीज़ हैं। नेशनल पार्क वहाँ पे 4 हैं, जिसमें गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो गिर सोमनाथ में है, ब्लैक बक नेशनल पार्क ये वाल्वेदार में है, और मैरीन नेशनल पार्क जो कि कच्छ की खाड़ी में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, वनसदा नेशनल पार्क जो कि नवसारी में है। ये 4 नेशनल पार्क गुजरात के अंदर हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो 23 हैं, जिसमें कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर, शुल पैनेश्वर, बालाराम अंबाजी, नारायण सरोवर मैरीन सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसोर स्लोथ बियर सेंचुरी, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जम बुगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, रत्ना महल स्लोथ पियर सेंचुरी, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोल लेक बर्ड सेंचुरी, हिंगोलगढ़ नेचर एजुकेशन सेंचुरी और खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी, मिटियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब 23 जो है वो वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। रिवर्स की अगर बात कर ली जाए तो मेजर रिवर्स में वहाँ आती है नर्मदा, साबरमती, माही, हिरन, तापी, दमन गंगा, मैसो, भद्र, माचू, अंबिका, सरस्वती, औरंगा, वत्रक, वेस्ट बानस और ददर नदी वहाँ की मेजर रिवर्स में आती हैं। पोर्ट्स की बात की जाए तो मुंद्रा जो कि का सबसे इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है, कांडला, पोरबंदर, सिक्का, टोना, विक्टर और नवलखी वहाँ के मेजर पोर्ट्स हैं। रामसर साइट्स की अगर बात की जाए तो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी को वहाँ पे रामसर साइट में रखा गया है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में वो वहाँ पे आता है, और इसी के साथ साथ लिटिल रन ऑफ कच्छ दो वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये। गवर्नमेंट की अगर स्कीम्स की बात की जाए तो 2021 में गुजरात मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, गुजरात टू व्हीलर स्कीम 2021, गुजरात श्रमिक मनपसंद पास स्कीम, गुजरात वहील डिक्री योजना, सुजालम सुफालम जल सिंचाई संचय अभियान, गुजरात वादिल सुखारी योजना, गुजरात मसीहा हाउसिंग स्कीम, गुजरात गंगा स्वरूप योजना, गुजरात किसान सर्वोदय योजना, गुजरात ऑनलाइन डेवलपमेंट परमिशन सिस्टम 2.0 पोर्टल, गुजरात 7 पगला कहेदुत कल्याण स्कीम, गुजरात सिटीजन स्मार्ट कार्ड स्कीम 2021, गुजरात दीनदयाल क्लिनिक्स फॉर अर्बन पुअर इन स्लम्स एरियाज, रोजगार सेतु जॉब हेल्पलाइन नंबर, गुजरात मानव गरिमा योजना और आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ये सब वहाँ की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं 2021 की अगर बात की जाए तो। उसमें अगर लोकसभा सीट्स की अगर वहाँ पे बात की जाए तो 26 लोकसभा सीट्स हैं, राज्यसभा में वहाँ पे 11 राज्यसभा सीट्स हैं, स्टेट असेंबली वहाँ की अब उसमें 182 सीट्स हैं, स्टेट काउंसिल राज्य विधान परिषद वहाँ कोई नहीं है तो 0 सीट्स हैं वहाँ पे। इसी के साथ साथ लास्ट इलेक्शन जो हुए थे वहाँ पे वो 9th और 14th of December 2017 में हुए थे। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे क्वीन स्टेपल, रानी की वाव,
लक्ष्मी विलास पैलेस, महाभट मकबरा, धोलावीरा जो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, अदल्ज स्टेपवेल, लोथल ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, सिद्दी सैयद मोस्क, चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और सन टेंपल, सारखेज रोज़ा, साबरमती आश्रम, ये सब वहाँ की हेरिटेज साइट्स में आते हैं। अगर मैप पे अगर लोकेशन देखी जाए तो ये गुजरात स्टेट है, हाईलाइटेड है रेड कलर में। राजस्थान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, इधर मध्य प्रदेश के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है और इधर महाराष्ट्र के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, तीन के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और इसके साथ साथ ये इसका पूरा कोस्टल एरिया है, यहाँ पे ये पूरा कोस्टल एरिया है, इधर अरेबियन सी है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइड अगर बात की जाए तो ये सब आप देख सकते हैं राइट हैंड पे, ये सब गुजरात, ये गुजरात का मैप है, इसमें सभी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ये लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी लोगों से मैं अलविदा चाहूँगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी 19th of March की करंट अफेयर्स के साथ। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, प्रणाम सलाम राम राम सभी को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिसके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है हमारी वीडियो आप उस तक लेके जाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।